एनीवे, क्लास स्टार्ट करने से पहले कोई क्वेरी है तो क्वेरी कर लीजिए। क्लास टॉपिक स्टार्ट होने से पहले अगर कोई क्वेरी है तो क्वेरी कर लीजिए, गुड आफ्टरनून सर। कोई डाउट है पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर वो जो थर्ड पॉइंट नहीं बताए थे सर, रिवर्स वाला जो थर्ड पॉइंट, हाँ, जो 3 पॉइंट था ना सर, वो थर्ड पॉइंट में थोड़ा सा डिस्टर्ब है सर। रिवर्स 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 द एरे इन सेम एरे, यही ना? यस सर। हाँ, यस सर, वही सर। थोड़ा सा तो एलिबरेट करती है सर, रिपीट। बता देते हैं, ठीक है तो उसको किया जाए। हाँ, ये वाला में था, इसका प्रोग्राम तो करा दिए थे ना, समझाना है ना, प्रोग्राम हो गया था। एक प्रोग्राम करके भी बता दीजिएगा सर। अच्छा, इसका प्रोग्राम हुआ था कि नहीं हुआ था, यस नो वही सर, बोलो ना जी। तो यस सर, हो गया था तीनों। प्रोग्राम जब हो ही गया था तो सिर्फ समझाना है ना कि प्रोग्राम भी बताना है। बाकी लोग, रोहित जो प्रोग्राम रोहित में कुमार, जो दो को सर लास्ट में जो बोले थे ना कि एक ही एरे में मतलब रिवर्स, उसका सिर्फ आप एल्गो बताए थे, मतलब समझा दिए थे। हाँ, अच्छा प्रोग्राम नहीं हुआ था तो चलो प्रोग्राम हम इसी में। करेंगे। अच्छा ये नोट्स ये भेजे थे कि नहीं? 9 फरवरी, नो अच्छा ठीक है। 9 फरवरी के पहले 7 फरवरी, नो सर, अच्छा 7 फरवरी के पहले 4 फरवरी, चार फरवरी सर 31 तक भेजा हुआ है। यस यस सर, 1 मिनट, 28, 13, 31 तक भेजा है तो हमको 14, 15, 16 को सेव करना है, 4 फरवरी को पहले सेव करना दीजिए। किसमें सेव करते थे? BCA फोर 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 में BCA PPU सेकेंड ईयर CE, इसी में ना? अच्छा 4 4 4 में करते थे। हाँ ठीक, तो 31 तक का सेव है और ये हमारे पास है 4 फरवरी का, तो 4 2 को सेव कर लेते हैं पहले। 4 2 सेव हो गया, उसके बाद लेट्स कम टू दी 7 का है, इसको एक्सपोर्ट कर दें पहले। 7 2 22 सेव हो गया, इसके बाद हम सेव कर लेते हैं 9 का। 9 2 22 ठीक है। एंड सबसे पहला काम ये है कि आपके ग्रुप में भेजना, और आपका ग्रुप हो गया 20 23, 20 23 में BCA में जाएं। चार दो 7 2 नौ दो, यही है। मिल गया होगा? यस सर,
ओके सो लेट्स मूव. सबको मिल गया? यस सर, मिल गया सर. ठीक है, तो हम लोग आगे आज बढ़ते हैं. और रिवर्स ऑफ एरे सेम उसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसका प्रोग्राम भी करते हैं. ठीक है, ठीक है. ये टॉपिक हो गया रिवर्स एन एरे इन सेम एरे. ठीक है, पहले समझाते हैं कि करना क्या है और उसके बाद उस पर हम लोग काम करेंगे. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एरे है आपके पास, ठीक है, 10 का 20 का जितना का भी एरे लेना है ले लीजिए. ठीक है, मान लीजिए 1 है 2 है 3 है 4 है और क्या है 5 है. ठीक है, तो जाहिर बात है कि अगर मान लीजिए कि n नाम का ये एरे है तो इसकी इंडेक्सिंग क्या हो रही है? 0, 1, 2, 3, 4. ठीक, हमको इसी का वैल्यू इसी में रिवर्स करना है. तो मतलब कि जो 4 पोजीशन पे जो वैल्यू है वो किस पोजीशन पे आ जाना चाहिए? 1 पोजीशन पर. ठीक है, 0 पोजीशन पर. हाँ, इस काम के लिए हमको स्वैपिंग टेक्निक अपनाना होगा, क्योंकि इसका इसमें भेजना होगा, इसका इसमें भेजना होगा ना. यस सर. ठीक है, तो स्वैपिंग के लिए हम लोग एक अलग से कोई टी नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं ताकि इसका इस्तेमाल कर सके स्वैपिंग के लिए. ठीक है, और कहता है कि 2 वेरिएबल लेंगे, एक आई लेंगे, आई को रख देंगे 0 इंडेक्स पे, अगर एन 5 का है तो 0 पे आई रख देंगे, और जे को रख देंगे किस इंडेक्स पे? 4 इंडेक्स पे. कहां पे रख देंगे? अरे एरे 5 का है तो आई चला गया 0 पे और जे चला गया कहां पे? 4. और अगर 10 का है तो आई चला गया 0 पे, जे चला गया 9 पे. और अगर साइज का है तो एरे तो साइज माइनस वन. एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, ठीक, वेरी नाइस, वेरी गुड. अब इसमें कहता है कि हम क्या करेंगे सर. तो इसमें कहता है कि हम इसमें स्वैपिंग का प्रोसेस करेंगे तब तक जब तक कि आई छोटा रहे किस से? जे से. ठीक है, ठीक. तो इसमें हमको करना क्या है सर? स्वैप करना है. क्या करना है लिख के बता रहा है. स्वैप करना है किसको, किसके साथ? एन आई के वैल्यू को किसके साथ? टी एन जे के साथ. ठीक है, यूजिंग थर्ड वेरिएबल. तो अभी आई 0 पे है, जे 4 पे है, क्या ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? यस सर, कंडीशन को तो फुल कर रहा है. कर रहा है ना. तो इस टी के मदद से हम दोनों वैल्यू को क्या कर दिए? स्वैप किए तो यहाँ क्या आ गया? 5. और यहाँ क्या आ गया? 1. उसके बाद क्या करना है? आई को इंक्रीज करना है और जे को डिक्रीज करना है. ठीक है, तो आई इंक्रीज होके कहाँ पहुंचा? 1 पे. और जे डिक्रीज होके कहाँ पहुंचा? 3 पे. फिर ऊपर गया, चेक किया कि आई छोटा है जैसे, यस या नो? यस. तो फिर इसी टेम्पररी की मदद से क्या किया दोनों? स्वैप कर दिया. स्वैप किया, तो यहाँ क्या आ गया? 4.
और यहाँ क्या आ गया टू टू, उसके बाद क्या किया आई को बढ़ा दिया और जे को घटा दिया तो आई जे दोनों कहाँ आ गया टू पे। अब ऊपर गया और चेक किया कि आई छोटा है जे से, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स फॉल्स। आपका एरे जो है वो रिवर्स हो चुका है। देखिए 5 4 3 2 1 यस सर, हो गया है कि नहीं होगा? यस सर हो गया। ठीक है, तो बस यही टेक्निक हमको अप्लाई कर देना है वहां पे। ठीक है, तो इसको प्रोग्राम बताइए सर। हां फिर से एक बार सर बताइए तो सर, कोई वेटिंग में है क्या? फिर से बताइए जी, स्वैपिंग हो रहा है सर, उसको फिर से एक बार बता दीजिए। स्वैपिंग किसका किसके बीच में हो रहा है जीरो और फाइव के बीच में हो रहा है ना सर? जीरो और फाइव के बीच में हो रहा है स्वैपिंग, एनआई और एनजे के बीच में हो रहा है। और आई को शुरू में कहाँ रखे हैं, किस पोजीशन पे? फाइव। वन पोजीशन पे सर। जीरो पे सर। आई को शुरू में हम कहाँ रखे हैं? जीरो पोजीशन पे। और जे को कहाँ रखे हैं शुरू में? फोर पोजीशन पे। पोजीशन इंडेक्स नंबर पोजीशन होता है और उसके सामने वैल्यू होता है। और जब पोजीशन पे रख दिए तो क्या कर रहे हैं, आई और जे के सामने जो भी वैल्यू है उनके बीच में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, स्वैपिंग कर दे रहे हैं। स्वैप कर दे हैं। तो स्वैप कर दिए तो यहाँ से एक हट गया, पांच आ गया, वहां से पांच हट गया, क्या चला गया? एक चला गया। लेकिन ये स्वैप हम किसकी मदद से करेंगे, तीसरा चाहिए ना, तो यहाँ तीसरा कौन है? थर्ड वेरिएबल टी है। उसके बाद स्वैप करके क्या एक बार स्वैप करके काम खत्म कर देंगे? कहता है नहीं, स्वैप करेंगे उसके बाद आई को बढ़ाएंगे एक आगे और जे को घटाएंगे एक पहले, और कंडीशन को चेक करते रहेंगे कि जब तक आई छोटा रहे जे से तब तक स्वैपिंग चलता रहे। ठीक है, तो अगली बार में आई वन पे आया, जे थ्री पे आया, ठीक है, तो अभी भी छोटा है तो फिर स्वैपिंग हो गया, तो यहाँ आ गया फोर, यहाँ आ गया टू। ठीक है, अरे ना
ओके तो यहाँ पे अगली बार में जब ये कर दिया ठीक है तो आई और जे एक जगह हो गया। कंडीशन के मुताबिक आई जब तक छोटा रहे जे से तब तक चलना है। आई जे जब एक जगह हो जाए तो ये लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा और लूप के ब्रेक होने का मतलब है कि वैल्यू हमारा सारा स्वैप हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने पहले डाला था 1 2 3 4 5, अब हो गया 4 5 4 3 2 1। ठीक है, अब इसका एक प्रोग्राम हम लोग करते हैं ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और जो बातें लिखे हैं उसी बातें को हम प्रूव कर दें। दो प्रोग्राम तो रिवर्स का बता दिए थे, यस या नो? दो यस सर, बता दिए थे। बहुत सर नहीं बोलता है जी का है। यस सर, बता दिए थे सर। तो मैक्रो पे बता देते हैं, है ना? किसी भी बता देना। ठीक है, इंट एक एन ले लेते हैं, इसका साइज डाल देते हैं और हमको चाहिए एक लूप चलाना होगा, एक टेम्पररी लेना होगा, एक आई चाहिए, एक जे चाहिए, एक टेम्पररी चाहिए। सबसे पहले तो हमको एंट्री कराना है प्रिंट एफ, तो डबल कोट में लिख देते हैं बैकस्लैश एन इंटर परसेंट डी वैल्यूज इन एरे। ठीक है, और यहां दे देते हैं साइज, ओके, और यहां लूप चला देते हैं फॉर आई का 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, और स्कैन एफ कर लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारा वैल्यू आ चुका है। ठीक है, वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे हम कि रिवर्स के पहले शो करा देते हैं ऐसे ताकि आपको ये रहे। वैसे तो ये सब काम आप भी कर सकते हैं। ठीक है, एरे वैल्यूज बिफोर क्या रिवर्स। ठीक है, और फोर का लूप चला दीजिए, फोर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, और यहाँ पे लिख दीजिए प्रिंट एफ परसेंट 5D डालना है तो डाल दीजिए 5D, और यहाँ पे एन आई कर दीजिए। जो हम कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? ये सर, ये जो दोबारा 4 लिए हैं सर, वो थोड़ा समझा दिए सर। कौन है भाई दोबारा 4 लिए हैं? अरे दोबारा 4 इसलिए नहीं भी ले सकते हैं, हम चाह रहे हैं कि जो वैल्यू तुम एंट्री किए हो ना रिवर्स होने के पहले उसको हम दिखा दे यूज स्क्रीन पे कि भाई हाँ ये डाटा तुम इनपुट किए थे, 1 to 10 इनपुट किए थे, तो दिखा दे 1 to 10। ठीक है, अब उसके बाद हम रिवर्स करेंगे और रिवर्स करने के बाद फिर प्रिंट करेंगे कि वैल्यूज एरे वैल्यूज आफ्टर क्या रिवर्स। ठीक है, अगर आप ये ना भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, हमारा पर्पस सिर्फ रिवर्स करना है, सिर्फ रिवर्स को प्रिंट कराइए। अब यहाँ पे रिवर्स हम करेंगे तो रिवर्स करने के लिए आई को सेट करेंगे कहाँ पे, 0 पे। फॉर से भी बना सकते हैं, वाइल से भी बना सकते हैं, किससे बना दें? वाइल पे समझाए हैं एल्गो, वाइल ठीक रहेगा सर, वाइल ठीक रहेगा। और जे को कहाँ रख देंगे, साइज माइनस 1 पे, और वाइल को क्या चलाएंगे, आई लेस देन क्या लिखा हुआ था जे, और स्वैप करने के लिए टी का मदद लेंगे, टी बराबर एन आई, एन आई बराबर एन जे, एन जे और एन जे बराबर टी, आई को बढ़ाएंगे, जे को घटाएंगे, घटाएंगे
और जब लूप से बाहर निकलेगा तो आपका एरे रिवर्स हो चुका है, तो प्रिंट एफ करके लिख देते हैं मैसेज, ठीक है, एरे वैल्यूज आफ्टर क्या रिवर्स और आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस ठीक है इंटर 10 वैल्यूज मान लीजिए कि हम क्या देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी दे सकते हैं, हम एक सीक्वेंस में रख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए क्या कर रहा है। एरे वैल्यूज बिफोर रिवर्स 1, 2, 3, 10 एरे वैल्यूज आफ्टर रिवर्स 10, 9 सही है। यस तो ये आपका प्रोग्राम हो गया, इस प्रोग्राम को आप नोट कर लीजिए। एक मिनट, दो बच्चा वेटिंग में है। इसको नोट कर लीजिए, रन कराइएगा, एल्गो समझाए थे वो समझिएगा, आज जाके घर में 10 मिनट इस पे टाइम दीजिएगा, अपने से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। दिक्कत आएगा तो फिर अगले क्लास में आके एक बार और पूछ लीजिएगा कि इस स्टेप में हमको दिक्कत हो रहा है समझने में, ठीक है। स्कूल अप सर। अभी जो भी हम लोग बना रहे हैं किस डायमेंशन को यूज करके बना रहे हैं? सिंगल डायमेंशन सिंगल डायमेंशन। हाँ, उसके बाद फिर डबल समझाएंगे और फिर उस पर प्रोग्रामिंग बताएंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। आगे आते हैं, अगला जो प्रोसेस है क्यू बेसिक में भी समझाए थे सिंगल डायमेंशन में, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। यस सर। कौन कौन सा टेक्निक बताए थे सॉर्टिंग में? वैसे अमूमन अगर सिर्फ सॉर्टिंग लिख देता है तो कोई भी टेक्निक लगा के आप सॉर्ट कर सकते हैं एरे को, ठीक है। लेकिन सॉर्टिंग जो है ना वो सर आप 3-4 को बताए थे, बट उसमें बोले थे कि एक से हो जाएगा, तो हाँ वही बता सिलेक्शन सॉर्ट था सर शायद। सिलेक्शन बिल्कुल सिलेक्शन होता है, बबल होता है, इंसर्शन होता है, क्विक होता है, मर्ज होता है, हीप होता है, लॉट ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक्स, ठीक है। And full fledged these sorting techniques we will discuss in the next paper, that is data structure. तो data structure में हम लोग discuss करेंगे जब पढ़ना होगा, उसमें पूरा sorting searching का chapter ही है और सब जानना है हम लोगों को, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि list है तो हम sorting करना तो चाहते हैं ना, ठीक है। तो अगर C में program कह रहा है कि sort कीजिए, ठीक है, तो कोई तो एक टेक्निक लेना होगा ना। सॉर्टिंग करने के कई टेक्निक्स है, कई एल्गोरिथम पहले से प्री डिफाइंड है, तो हमको किसी एक एल्गोरिथम को तो समझ के आगे बढ़ना होगा ना, ठीक है, एटलीस्ट। तो हम उसी में से सिलेक्शन को एक समझाए थे आपको वहां पे, ठीक है। यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे उसी तरह से डिस्कस करने का, ठीक है। तो क्या मैं उसको दोबारा रिवाइज कर दूं कि वो है आपके पास, वो आप कर लेंगे? यस सर, है सर। नहीं नहीं सर, कॉल कर बता दीजिए सर, एक बार बता दें सर, नोट्स में है, एक बार बता दीजिए। ठीक है, तो सिंगल डायमेंशन में जो अगला टॉपिक है, दैट टॉपिक इज कॉल्ड क्या सर? मैं लैपटॉप पे सॉर्टिंग सर प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, नहीं कर रहा। कौन प्रोग्रामिंग? सिर्फ सी प्रोग्रामिंग का फिर नहीं कर रहा सर। तो कौन से बैच से हो? PSCIT 444 DS जिसमें चल रहा है, सेकंड ईयर हो या फर्स्ट ईयर हो? सेकंड ईयर है सर, पहले फोन में करते थे कोडिंग।
सेकंड ईयर हो ना, तो हमारा पेपर कौन चल रहा है उसमें? डाटा स्ट्रक्चर। ज्वाइन करते हो तुम? यस सर। बिट्टू। अच्छा, तो क्या दिक्कत है उसमें सर? ये रन नहीं कर पा रहा है। सी का टर्बो इंस्टॉल किए हो कि डेव पे काम करते हैं? डेव है सर। तो डेव में तो काम करेगा सर, दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी ओपन करो, देख लेते हैं। तब तक हम लोगों पढ़ाते हैं, जब तक तुम ओपन करो। तो सॉर्टिंग हमारा टॉपिक है, और सॉर्टिंग कहता है कि सॉर्टिंग इज अ प्रोसेस, सॉर्टिंग इज अ प्रोसेस और टेक्निक टू अरेंज डेटा वैल्यूज ऑफ एन एरे और लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ओपन करो, एक तो प्रोग्राम लिखो उसमें। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, क्लियर? यस सर। For achieving this, there are various algorithms for क्या? ठीक है, यहाँ एल्गोरिथम को आप टेक्निक, देर आर वेरियस टेक्निक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, okay. वैसे सॉर्टिंग क्लासिफाइड भी होता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डीएस में। ठीक है, देर आर वेरियस एल्गोरिथम फॉर सॉर्टिंग। इसमें से दो तीन का नाम हम लिखते हैं, लेकिन किसी एक पे काम करेंगे या दो पे काम कर लेंगे। okay. इनमें से एक का नाम दिया गया सिलेक्शन, सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक या एल्गोरिथम। दूसरा हो गया बबल सॉर्ट। क्या हो गया? बबल सॉर्ट। ठीक है, और भी बहुत सारा ईटीसी। ठीक है, तो सर ठीक है, सॉर्टिंग करना होगा वो तो समझ गए कि असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है, लेकिन सॉर्टिंग करने के लिए हमें क्या जानना होगा? बहुत सारे एल्गोरिथम। कौन कौन से एल्गोरिथम है? क्या किन्हीं किसी एक को जान के मेरा काम नहीं हो जाएगा? कहता है बिल्कुल हो जाएगा, कई एल्गोरिथम दिए हैं, आप एक ही को फॉलो कीजिए। ठीक है, अब कई क्यों दिए हुए हैं, क्या डिफरेंसेज है, वो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में डिफरेंस करेंगे। ठीक है, हो सकता है कोई स्लो हो, कोई क्या हो, फास्ट हो, नहीं समझे? सॉर्ट इससे भी हो रहा है, सॉर्ट इससे भी हो रहा है, हो सकता है इसमें से कोई स्लो होता हो, कोई क्या होता हो, फास्ट हो रहा हो, या किसी का प्रोसेस अलग हो, दूसरे का प्रोसेस अलग हो। ठीक है, ये अलग तरीके से सॉर्ट कर रहा है, ये अलग तरीके से कर रहा है, इसके आधार पे ये डिफरेंसेस होंगे। तो ये डिफरेंसेस हम लोग बाद में डील करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हमको सॉर्टिंग समझना है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक
इस एल्गोरिथम के बारे में जानते हैं, इस टेक्निक के बारे में जानते हैं। हो गया जी, नेट क्यों कनेक्ट कर रहा हो? तुम्हारे पास डेव सी इंस्टॉल है कि नहीं है? तो है तो खुल रहा है ना, खोलो। ठीक है, ओपन हो गया डेव सी। ठीक, अब सिलेक्शन सॉर्ट कहता है, इफ सिलेक्शन सॉर्ट कहता है कि इफ लिस्ट और एरे हैज एन एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं उसमें? एन एलिमेंट्स, या उसको आप एन साइज के रूप में भी समझ सकते हैं, ठीक है, देन इट विल फॉलोज, इट विल फॉलो एन माइनस वन स्टेप, वन स्टेप्स, ये इसका रूल है। yes. ठीक है, कि इतना स्टेप्स वो फॉलो करेगा। अगर एरे 10 का है तो स्टेप्स कितना चलेगा? 9। 100 का है तो 90। ठीक है, फिर कहता है हर स्टेप में हम करेंगे क्या? इन ईच स्टेप फर्स्ट वन वैल्यू, जो भी उस वैल्यू में होगा, फर्स्ट वन वैल्यू ऑफ द एरे विल कंपेयर विथ अदर रिमेनिंग वैल्यूज, will compare next all values one by one। ठीक है, अब एज कंपेयर कैसे करेंगे सर? कंपेयर मतलब छोटा है बड़ा है बराबर है, यही ना मीनिंग हुआ कंपेयर का? यस सर। तो कहता है कि अगर बड़ा है, कंपेयर कर रहे हैं दो वैल्यू के बीच में, यानी पहला को बाकी सब के साथ बड़े से आप कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप क्या करना चाहते हैं? असेंडिंग में करना। और अगर लेस से कंपेयर कर रहे हैं तो आप क्या करना चाहते हैं? डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन फुलफिल भी तो हो जाएगा, ट्रू भी तो हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इफ कंपैरिजन फुलफिल, देन व्हाट द फल, फुलफिल, फुलफिल का स्पेलिंग क्या होता है जी? सही है ना? Yes, sir. कि सिंगल होगा, FUL एक ही होता है ना? Yes, sir. एक हट जाता है, अच्छा वही वही यही तो कंफ्यूजन हो रहा था ये ना। इफ कंपैरिजन फुलफिल देन स्वैप द वैल्यूज, द वैल्यूज,
अब सर होगा ऐसे तो करते करते पहला सबसे कंपेयर कर लेगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो एक स्टेप पूरा हो जाएगा, तो फिर अगले स्टेप की तरफ जो बढ़ेगा, तो अगले स्टेप में क्या होगा, तो कहता है आफ्टर कंप्लीटिंग अ स्टेप द फर्स्ट वन वैल्यू, जो आप पहला लेके चल रहे थे, द फर्स्ट वन वैल्यू विल बी इग्नोर का मतलब क्या होता है पर हम कंसीडर नहीं कर रहे द फर्स्ट वन वैल्यू विल बी इग्नोर इन नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, तो इट मींस नेक्स्ट वन आफ्टर फर्स्ट वन विल बी द फर्स्ट वन, यस ठीक है, इट मींस नेक्स्ट वन विल बी द फर्स्ट वन, ऐसे लिख देंगे, नेक्स्ट वन विल बी द फर्स्ट वन, और ये चलता रहेगा तब तक जब तक कि आपका पूरा ना हो जाए। ओपन कर लिया जी, ठीक है, एक मिनट हमको, एक मिनट का टाइम दीजिए जब तक इसको आप लोग देखिए। हेलो, देख लिए हैं? यस सर।
इसको क्या हो गया भैया, ये हैंग पोजीशन में कहाँ चला गया? कुछ दबा हुआ है क्या? ठीक है, ओके। तो आफ्टर कंप्लीटिंग अ स्टेप द फर्स्ट वन वैल्यू विल बी इग्नोर इन नेक्स्ट स्टेप। अब इसका हम लोग ड्राई रन देखते हैं। आई थिंक टाइम भी लग रहा हो गया है, तो इसका ड्राई रन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं और प्रोग्रामिंग भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तब तक आप ये समझ लीजिए, और ये पहले भी समझाया गया है, वहां से भी एक बार देख के हेल्प ले सकते हैं। एंड आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है सेम समझाए थे, ठीक है। लिखने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, हाँ लिखने में हो सकता है, ठीक है, बाकी सब चीज सेम है, ठीक है। तो इसको मैं भेज दूंगा और थोड़ा सा आप लोग वहां पे देख लीजिएगा पिछला वाला, ताकि अगले क्लास में जब बताए तो समझ में आ जाए, ठीक है। और जो बच्चे पिछले में मेहनत नहीं कर पाए थे वो घर पे जाके इसको एक बार पढ़ लेंगे, पढ़ के दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे स्टेपसिंग को, ठीक है। मान लीजिए 100% नहीं बैठ रहा है तो 50% बैठे, जितना भी बैठ जाए पढ़ लीजिएगा जरूर, उससे कुछ ना कुछ बातें बैठेंगी, जब अगली बार में बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। आप नहीं पढ़िएगा अपने से आप नहीं पढ़िएगा, कोई उपाय नहीं है, कोई दुनिया का टीचर आप में उपाय नहीं डाल सकता, बना सकता है, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत अपने से इनिशिएट करना होगा, समय देना होगा, नहीं तो फिर कोई टीचर आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपको 10 मिनट अपना प्रयास उसमें डालना होगा, तब आप सीख पाइएगा। हेलो सर। बोलिए सौरभ कुमार। सर बोल रहे 19 तारीख के बाद का पीडीएफ बोल रहा था सेंड करने, क्योंकि उसका बीच का 2 PDF गायब है। अच्छा तो कितने बजे आए हो, अभी 5 मिनट पहले आए हो क्या तुम? नो सर। क्लास तो 4 बजे तारीख के पहले, मतलब क्या 19 जनवरी? तो 19 जनवरी के पहले हो सकता है कि नहीं हो पीडीएफ। 19 जनवरी तुम्हारा 19 जनवरी के पहले का चाहिए? नहीं सर, उसके बाद का। तो 19 जनवरी के बाद का 24 जनवरी का है, 24 जनवरी का तो भेजे थे। यस सर, उसमें मतलब 22 तारीख का भी नहीं है। तो 22 तारीख को नहीं किए होंगे, खाली प्रोग्राम हुआ होगा, जरूरी थोड़ी है कि जिस दिन पढ़ाए होंगे उस दिन नोट्स बनाए होंगे। अरे जिस दिन लिखने वाला काम होगा उसी दिन, जिस दिन प्रोग्राम करने वाला काम होगा, खाली प्रोग्राम से चल गया होगा काम। ओके सर, समझ गए। तो जिस दिन का नहीं मिल रहा है ना, उस दिन प्रोग्राम हुआ होगा, प्रोग्राम का क्लिप मिला होगा आपको, वो देख लीजिएगा। यस सर, 24 तारीख का भी पीडीएफ नहीं है जो आप बोल रहे हैं। 24 तारीख का पीडीएफ नहीं गया है सर, भेजे हैं 24, 28 और 31 का है। 24, 28, 29, 31 सबका सर, सबका है। सौरभ कुमार जी आप कहाँ रह रहे हैं आजकल? नहीं सर, पीडीएफ में देख रहे हैं कहाँ है, ठीक से देखिए उसको। डाउनलोड नहीं किया होगा, एक बार चेक कर लो ग्रुप। चलिए ओके, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।